नमस्कार, हेलो एंड नमस्ते। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको, और सबको बधाई हो 77 इंडिपेंडेंस डे की। और सबाई के शुभकामना जानाई 77तम स्वाधीनता दिवसे। आज के आमी केनो दुटो भाषा कथा बोलछी तार एकटा कारण आछे, कारण आमादेर देश एरकमी। यस, हमारा देश कुछ ऐसा ही है। हम लोग हिंदी भी बोलते हैं और काफ़ी ढेर सारे और लैंग्वेजेस बोलते हैं। हमारे देश में कल्चर, भाषा और पहनावे का एक अनोखा मेल मिलाप है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हम लोग 14 अगस्त को निकल गए थे मार्केट, शाम को कुछ शॉपिंग करने। भाभी दीदी लोग आए हुए थे उस दिन, तो हम लोग शॉपिंग करने गए, कुछ राखी और तिरंगा वगैरह खरीदने। और ये देखिए, हम लोग आ गए दुकान में और दीदी को राखी चूज़ करना था तो वो राखी चूज़ करी थी। और ये रहा, देखिए ये दुकान भी कैसा सजा है, सुंदर। मुझे ना ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बाहर चली गई। और ये देखिए, इसे चाहिए था बॉल। और उसके बाद हम लोग चले गए कुछ और शॉपिंग करने, कुछ शॉपिंग करना था हम लोग को। घर वापस आने के बाद ये चुटकुले को देखिए, ये हमारे साथ खेल रहा था। इतना प्यारा है ना ये, कैसे क्यूट सब बोलता है। और नेक्स्ट डे सुबह मैं और टुक टुक दोनों रेडी हो गए नीचे जाने के लिए। और ये आ गए नीचे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के लिए हम सब। और ये देखिए, हमारे सोसाइटी के सारे लोग जो भी हैं सब आ गए हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए। और अब होगी फ्लैग होस्टिंग। ये हो गया हमारा फ्लैग होस्टिंग, लहरा गया हमारा तिरंगा। यस, एंड दिस इज द प्राउड मोमेंट। और फिर हम लोगों ने की बहुत सारी फोटोशूट टुक टुक और मैंने मिलके। उसके बाद मैं और टॉफी दोनों वाले जाने वाले थे पार्क घूमने के लिए, तो मैंने टॉफी को तैयार करके और नीचे ले जा रही थी घुमाने। और ये देखिए टॉफी कितनी अच्छी लग रही है। ये चले हम नीचे। और ये ना टॉफी देखिए, ये ना शीशे में अपने आप को भी देख कर डर रही थी और कैसे कैसे रिएक्शन दे रही थी। और मैं आ गई आज मॉनेस्ट्री। हाँ, मुझे पता है कि हम लोगों के पार्क जाने का एक प्लान था, लेकिन वो मैंने कैंसिल इसीलिए किया क्योंकि टॉफी को मैं नहीं ला पाई। टॉफी को कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने उसे घर पे छोड़ दिया। वैसे भी उसे बहुत गर्मी लग रही थी, बाहर बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैं अकेली ही आ गई। और ये मॉनेस्ट्री देखने, बहुत ही ब्यूटीफुल सी मॉनेस्ट्री है, इसका नाम है सालूगाड़ा मॉनेस्ट्री। आइए चलते हैं अंदर। और ये ऊपर चढ़ के मैंने जो देखा ना, मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा क्योंकि मैं आई थी तो ये बंद था। मैंने पूरा अंदर से एक्सप्लोर तो नहीं कर पाई इसे, लेकिन बाहर से मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए और वीडियोस बना ली। और मुझे ना मॉनेस्ट्री से ये बात बहुत पसंद है, इनकी जो आर्किटेक्चर होती है इतनी ब्यूटीफुल होती है, इतनी गॉर्जियस होती है ना। मैं कोई भी मॉनेस्ट्री चली जाऊँ, मैं घंटों बिता सकती हूँ वहाँ बैठ के, क्योंकि
इसकी हर एक डिटेल्ड मतलब बाहर से या अंदर से कि डिटेलिंग कसब की होती है। और मुझे तो लगता है कि हाथ से ही सारे जो ड्राइंग्स है वो बनी होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। और फिर मैंने मॉनेस्ट्री में कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, वीडियोस बनाए, फिर ना मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने टॉफी को भी घर पे छोड़ दिया था और आज मैं अकेली भी आई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ काम था तो, और मुझे अकेले बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। तो मैं आ गई वापस। ये देखिए मैं यहाँ रोड पर खड़े होकर, मुझे ये जंगल बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया और फिर मैं घर वापस आ गई और आके अपना फ़ोटो क्लिक किया तिरंगे के साथ। अब के लिए बाय बाय, मिलेंगे फिर किसी ब्लॉग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।